हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एक केमिस्ट्री स्टूडेंट हैं तो केमिस्ट्री की लैब में आपने कोई ना कोई केमिकल तो ज़रूर यूज़ किया होगा। लेकिन क्या आपने कभी ये गौर किया है कि कोई भी केमिकल की बॉटल के ऊपर उसका एक यूनिक नंबर लिखा हुआ होता है, जिसे हम कैश नंबर कहते हैं। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स कैश नंबर के बारे में नहीं जानते होंगे। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं। अगर आपके पास कोई व्हीकल है, कोई कार है, कोई बाइक है, तो उसका एक नंबर होता है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। वैसे ही हर केमिकल का अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जिसे हम कैश रजिस्ट्री नंबर कहते हैं। ये कैश रजिस्ट्री नंबर केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विसेज के द्वारा असाइन किए जाते हैं, और ये एक यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर होते हैं, जिससे कि हम किसी भी केमिकल को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हर दिन कई सारे नए कंपाउंड्स को केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विसेज के द्वारा कैश नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं। अब एज ए साइंस स्टूडेंट हमारे मन में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड होते हैं जिन्हें कैश नंबर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मेटल, एलॉयज, मिनरल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक्स, एलिमेंट, आइसोटॉप, न्यूक्लियर पार्टिकल, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीमर्स, इन सभी का अपना एक यूनिक कैश रजिस्ट्री नंबर होता है। अब आज के बाद जब भी आप किसी केमिस्ट्री लैब में एंटर करोगे और कोई भी केमिकल यूज करोगे, तो सबसे पहले आप उसका कैश नंबर जरूर चेक कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको एक रेफरेंस के तौर पर सोडियम बोरोहाइड्राइड का कैश नंबर दिखा रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप भी जब अब नेक्स्ट कोई भी केमिकल यूज करेंगे तो उसका कैश नंबर जरूर देखिएगा। कैश नंबर मिलने के बाद आप उस केमिकल से रिलेटेड कोई भी जानकारी इजीली गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। कैश नंबर एक यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर होता है, जो कि वर्ल्ड वाइड हर केमिकल के लिए सेम होता है। इंफॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।